सो आज भाई के जिम में आए, आयरन स्ट्रीट वाइब देखो, देखो चिचा कितने गुस्से में देख रहे हैं हम लोग को। डंबल एंड फ्री वेट्स आर समथिंग आई लव डूइंग इट, बट इतने मशीन्स ऑप्शन है यहाँ पे, फिर ऐसा रहता है कि क्यों रिस्क लेना, बॉडी बनी जाएगी इतने में। जिस तरह ड्रोन ने हेलीकॉप्टर वाले का जॉब खाया, उसी तरह इसने केबल फ्लाई का जॉब खा लिया। इनके साथ भेज दिए थे मुझे, इनके साथ भेज दिए थे, ये उड़ा के लाए मुझे यहाँ पे। समीर भाई को आप लोगों ने देखा होगा पहले भी व्लॉग में। समीर भाई का पहला जिम था दुबई में मेरे लिए, जिसमें मैंने इवेंट किया था। इससे पहले भी मैं एक दो जगह गया, लेकिन ऑफिशियली जो एकदम मोहब्बत वाला नहीं होता है वो वाला इवेंट पहला जिम का था। बहुत अब तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, लाइक अ फैमिली, और सम बिग न्यूज़ इज़ कमिंग वेरी सून इंशाल्लाह। सो आज भाई के जिम में आए, आयरन स्ट्रीट वाइब देखो, देखो चिचा कितने गुस्से में देख रहे हैं हम लोग को। आज समीर भाई चेस्ट, समीर भाई ऑल्सो डू अ प्रेप कोचिंग इन इंडिया, इन दुबई एंड इंडिया एज वेल। इंडियन नहीं, दुबई में भी प्रेप कोच करवाते हैं। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है ना, लेकिन तो जितने भी प्रेप कोचिंग करते हो इधर आके कुछ यहीं पे वर्कआउट यहीं करना है उनको। मुझे भी लगता है अभी हफ्ते में एक आध दो दिन आना पड़ेगा, काफ़ी दूर है लेकिन एक आध दो दिन आना पड़ेगा, एक ट्रेनर की पुश की ज़रूरत रहेगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन एक अगर पुश मिल जाए ना तो ज़्यादा फील होता है, और आप 12 साल से हो, एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ तो नया सीख ही जाऊँगा। डंबल एंड फ्री वेट्स आर समथिंग आई लव डूइंग इट, बट इतने मशीन्स ऑप्शन है यहाँ पे, फिर ऐसा रहता है कि क्यों रिस्क लेना, बॉडी बनी जाएगी इतने में। और अभी अंदर से फीलिंग है ना बहुत अच्छी है, जब आदमी खुश रहता है तो बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, जबकि ऑनेस्टली 3-4 मील दिन में हो रहे हैं, बट इतना है कि गंद नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है क्लीन हो रहा है। कभी कभार बाहर चले गए तो, और यहाँ पे क्या, कहीं भी बाहर गए तो आप ग्रिल मंगा लो, सबसे बेस्ट बेनिफिट है ग्रिल और राइस, है ना। ऐसा नहीं है कि तुमको यहाँ पे वो बटर चिकन ही मिलेगा, और हर रेस्टोरेंट में ग्रिल तो मिलता है यहाँ पे। सैम भाई, ऐसा जिम सेटअप करने दुबई में 2 मिलियन लगेगा, यानी 5 करोड़ इंडिया का। कितनी खुशी की बात है अपना इंडियन ब्रदर दुबई में आके एक इतना माशाल्लाह बड़ा जिम सेटअप करे। ऑफकोर्स इट हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता, लेकिन नीयत भी साफ होनी चाहिए ना। अगर आपकी नीयत ही नहीं साफ है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपके दिमाग में ही बैठा है मैं इसका खा जाऊंगा। मेरी मम्मी बोलते हैं, मैं एक पोस्ट भी डाला था ना, उस पर भी लिखा था कि जिसकी नीयत साफ उसकी मंजिल आसान। और बहुत खुशी होती है जब देखते हैं कि अपने कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी जैसे आज ही मैंने एक पोस्ट डाली, मेरे एक्स कोच और लाइक अ ब्रदर बिकी पाजी, वो कनाडा में एक स्टोर के विजिट पे जा रहे हैं। तो यानी कितनी अच्छी बात है ना, एक पंजाब का लड़का कनाडा में पेड़ विजिट पे जा रहा है। वो पैसा मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि वो उस लायक बना। और जब खुशी, कोई भी अपना इंडिया का, क्योंकि अपने अपनी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि इंडिया का मतलब यानी फैमिली का, तो कोई भी इंडियन का कुछ हो रहा है तो भाई अपना हो रहा है। अलग अलग मशीन में अलग अलग एंगल, और यहाँ तो ऐसा है कि मशीनें ख़त्म ही नहीं हो रही है, हर जिम में जाओ हर जिम में नई मशीनें। मेरे को याद, दिल ही नहीं करता यूज़ करने का। और एक एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया ना,
जिम में जाओ आपसे बेटर लोग दिखते हैं। अब तो यार उसकी बॉडी की अपने को बनानी पड़ेगी। मैं एक्चुअली आना चाहता था ऐसे सीजन में कि उसका उससे वर्स्ट कुछ ना देखना पड़े मुझे, कि कल कोई बोले ना दुबई में इससे वर्स्ट क्या होगा, मैं बोलूँगा मैंने देखा है शुरुआत में। वेट बढ़ा सकते, लाइट है। इसके बाद में कौन लेगा डंबल बताओ? आदमी बोलेगा भाई क्यों लूं मैं डंबल, यानी सब कुछ और सेफ भी है ना, गिरने का टेंशन नहीं, डिसलोकेशन का टेंशन नहीं, एकदम जहां चाहिए वहीं आ रही है। जिस तरह ड्रोन ने हेलीकॉप्टर वाले का जॉब खाया, उसी तरह इसने केबल फ्लाई का जॉब खा लिया। बट एक बात देखो आप सैम भाई, कि जब आप बाहर निकलते हो ना, तो आपको लगता है कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। मीन्स यानी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं कहीं जाता हूँ तो थोड़े टाइम के लिए मुझे लगता है अच्छा ये नया है, कुछ नया है। बट पिछले एक डेढ़ महीने से एक ही जगह पर रह के डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट डिफरेंट जिम्स, तो तुमको ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि जब तुम विजिट के लिए आते हो ना तो एक जिम में जाते हो वर्कआउट किए, दो चार दिन निकल गए। जब तुम सब जिम में जा रहे हो और देख रहे हो सब जिम में वैसे ही फैसिलिटी है, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के, तो तुम्हें लगता है दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है और हम वही बार बार डंबल में खुश है। कितना अपग्रेडेशन आ गया यार, थका नहीं ऐसा मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। बहुत कम टाइम ऐसा होता ना कि चेस्ट मारने के बाद में हिम्मत बचती है, बट चार 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 16 सेट हो गए ना, 16 सेट के साथ भी ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ तो आज दिल कर रहा बाइसेप थोड़ा। मैं बॉडी की सुनता हूँ, अभी कल ब्रेक ले लूँगा, दो वेरिएशन बाइसेप के, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं बाइसेप करने गया वर्कआउट और हैमर ही करना भूल गया। इतने मशीन्स थे कि ये मज़ा आ रहा है, ये मज़ा आ रहा है, हैमर करना, लास्ट में वर्कआउट ख़त्म करके याद आया अरे यार हैमर ही नहीं किया। तो अभी हैमर करता हूँ,
हो गया भाई साहब वर्कआउट वर्कआउट ख़त्म। मुझे सच में ना ये मज़ा भी आ रहा है वीडियोस बनाने में और मज़ा नहीं भी आ रहा, बिकॉज मज़ा इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं अलग अलग जिम में जाके आप लोगों के लिए अलग अलग कंटेंट बना पा रहा हूँ और दिखा पा रहा हूँ, और मज़ा नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपना 100% जोन में नहीं हूँ। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धेश इधर है और जितना मैं कॉन्टेंट शूट कर लूँ ताकि आप लोगों की कंप्लेंट ना सुननी पड़े भाई वीडियो कब आएगा। तो आई होप कि जैसा भी बना रहा हूँ जो भी बना रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद। With the